दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैसे आप डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, इसके साथ ही डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन पर रिक्रूट हो सकते हैं, क्या इनकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके साथ ही कौन सी कंपनीज आपको हायर करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। डेटा एनालिस्ट का मेन टास्क होता है डेटा एक्सप्लोरेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैटर्न डिस्कवरी, कोरिलेशन फाइंड करके रिपोर्ट जनरेट करना और इसे अपने क्लाइंट एंड सीनियर्स के सामने प्रेजेंट करना। डेटा एनालिस्ट डेटा माइनिंग टूल्स को यूज करने में एक्सपर्ट होते हैं। डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आप में जो स्किल्स होनी चाहिए उनमें टॉप पे आती है मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल स्किल्स। इसके साथ ही आपको कम्युनिकेशन एंड बिजनेस नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको एक्सेल, टेबल्यू एंड एसक्यूएल के रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अब बात करते हैं डेटा इंजीनियर की। डेटा इंजीनियर का मेन टास्क होता है प्रोग्रामिंग करना। डेटा इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल के लिए आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए और इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। डेटा इंजीनियर का मेन टास्क होता है लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करना, इसके साथ ही कोडिंग पे काम करना और रिक्वेस्ट जो डेटा साइंटिस्ट आपको करता है उससे रिलेटेड प्रोग्राम को प्रिपेयर करना। नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग एक्सपर्ट। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट का मेन वर्क होता है मशीन लर्निंग सॉल्यूशन एंड एल्गोरिथम को अचीव करना। इसके लिए आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और उसकी लाइब्रेरीज से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही आपको डेटा एनालिस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आप डेटा को एनालिसिस करके ही मशीन लर्निंग सॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट सबसे टॉप प्रोफाइल पे आते हैं डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट को बनने के लिए आपको 2 से 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन फील्ड ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड प्रोग्रामिंग। डेटा साइंटिस्ट की कमांड डेटा एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग, मशीन लर्निंग एंड कम्युनिकेशन चारों ही फील्ड्स पे होती हैं। इसमें प्रोग्रामिंग पे आपकी कमांड अगर कम भी हो तो चल जाता है, बट मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिस्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए। डेटा साइंटिस्ट का मेन टास्क होता है अपने क्लाइंट को अपने एल्गोरिथम के मॉडल पे सेटिस्फाई करना, उसे ये विश्वास दिलाना कि हमने जो मॉडल प्रिपेयर किया है वो उसकी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कंपनीज जो हायर करती हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर एंड डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स को, उसमें सबसे टॉप पे आती है म्यू सिग्मा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स, क्रेयॉन डाटा, लेटेंट व्यू, एब्सोल्यूट डाटा, ग्लोबल एनालिटिक्स, टाइगर एनालिटिक्स, एक्सेल एनालिटिक्स, एचसीएल, टीसीएस, एचडीएफसी। सैलरी स्टार्टिंग आप 6 to 8 lakhs का पैकेज ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब लोकेशन एंड स्किल्स। विद एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 years दिस कैन गो अप टू 12 lakhs पर एनम। अगर आप डेटा साइंस, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड टॉप कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, करियर रिलेटेड वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।